आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका आरंभ का जो दो खंड है उसका विचार पूरा हुआ। दो खंडों में ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और ब्रह्म का सम्यक ज्ञान क्या होता है, इसका बहुत अच्छी तरह से निरूपण हुआ। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी बातें अन्य अधिकारियों को ध्यान में रख करके कुछ बातें बताएंगे। टीका में देखिए पेज नंबर 80 पेज पे आप सीधे देखिए। उत्तर ग्रंथस्य प्रतीकम आदाय तात्पर्य महा। उत्तर जो आगे का ग्रंथ है उसका प्रतीक लेकर के तात्पर्य को दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए दो नंबर टिप्पणी में दे दिया अविवक्षितम गौणम इदम तात्पर्य। ये मुख्य तात्पर्य नहीं गौण तात्पर्य है। एक तो मुख्य तात्पर्य होता है और एक गौण तात्पर्य होता है। तो ये देखिए भाष्य में ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम अभिजानतां इत्यादि श्रवणात् यदस्ति तद विज्ञातं प्रमाणे यद नास्ति तद अविज्ञातम सस विषाण कल्पम अत्यंतम एवं असदृष्टम। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। अब ये मंत्र आएगा पहला मंत्र यहाँ तृतीय खंड का पहला प्रथम ही मंत्र आएगा ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। ये आएगा अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। ये मतलब ये खंड आरंभ कर रहे हैं और पूर्व में क्या आया है अविज्ञातम विजानतां विज्ञातम अविजानतां। जानने वालों के लिए अविज्ञात है और नहीं जानने वालों के लिए विज्ञात है। तो ऐसा जो मंत्र आया द्वितीय खंड में इत्यादि श्रवण द्वितीय खंड का तृतीय मंत्र था। इत्यादि श्रवण होने से यद अस्ति तद विज्ञातं प्रमाणे। तो भाई जो है वह प्रमाणों से विज्ञात होता ही है। यद नास्ति तद अविज्ञातं और जो नहीं है वो तो अविज्ञात होता है। सस विषाण कल्पम सस विषाण के समान होता है। जैसे सस सस यानी खरगोश विषाण यानी सींग। खरगोश की सींग नहीं होती तो आपको बताया जाए खरगोश की सींग को देख के आओ। खरगोश की जो श्रृंग है सींग है सिर में रहता है मतलब गाय भैंस के तो खरगोश की सींग को देख के आओ तो कभी देख ही नहीं सकते हो। पूरी दुनिया ढूंढ मारो खरगोश की सींग नहीं। कछुए के बाल लेके आओ। कछुए के बाल ला सकता है क्या कोई? कोई नहीं ला पाएगा। कूर्मरोम सस विषाण इसी प्रकार गधे की श्रृंग देखा है आपने? गधे में वो भी नहीं होता। तो ये जो जो वस्तु प्रमाण से ज्ञात नहीं होती यद नास्ति तदा विज्ञात। जो जो है नहीं वो विज्ञात नहीं होती। वो सस विषाण के समान होती है। अत्यंतम है वो असदृष्टम अत्यंत ही असत देखा गया है।
आप यहां क्या कह रहे हैं, अविज्ञातम विजानता, जानने वाले के लिए अविज्ञात है, तो भाई जो है ही नहीं वही तो अविज्ञात होती है। सस विषाण के समान सस का विषाण कभी ज्ञात ही नहीं होता। तथा इदं ब्रह्म, इसी प्रकार यह ब्रह्म भी वैसे हो जाए खरगोश की सींग के समान, कूर्मरोम मूषक विषाण इन सब के समान हो जाए, आकाश कुसुम, तो ब्रह्म भी अविज्ञात होने से, क्योंकि आकाश के कुसुम को कभी देखे ही नहीं हो, ऐसे ब्रह्म भी अविज्ञात होने से आकाश कुसुम के समान हो जाए, सस विषाण के समान अत्यंत असद हो जाए, तुच्छ हो जाए, जो कहीं है ही नहीं। तो अविज्ञा असद एव इति मंद बुद्धि नाम व्यामोहो मा भूत। इस तरह से जो मंद बुद्धि, भाई जो आप लोग इतने समय से श्रवण कर रहे हो, आप लोगों को तो भ्रांति नहीं हो सकती, लेकिन जो मंद बुद्धि वाले, मंदा बुद्धि रेशाम, जिनकी बुद्धि बहुत मंद है, ऐसे लोगों को व्यामोह जो है भ्रांति हो सकती है कि भाई जो जिसका ज्ञान नहीं हो रहा है तो होगा ही नहीं। तो मंद लोगों को, मंद बुद्धि वालों को व्यामोह भ्रांति न हो इति तदर्था यम आख्यायिका आरभ्यते। तो मंद बुद्धि वालों के लिए आख्यायिका का आरंभ किया जा रहा है, कथानक का आरंभ किया जा रहा है। तो तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री, वही ब्रह्म सभी प्रकार से प्रशास्ता है, प्रशास्त्री है, प्रशासन करने वाला है। देखो ब्रह्म के होने में प्रमाण, क्योंकि देखिए मंद बुद्धि वालों को ये हो सकता है कि भाई जिसका ज्ञान नहीं हो रहा होगा ही नहीं, तो यहां ये बता रहे मंद बुद्धि वालों की इस जो भ्रांति है उसको दूर करने के लिए कहा जा रहा है। कि जैसे कोई शासक होता है वो तो उसकी सत्ता माननी पड़ती है, जो कोई शासन करने वाला है, भारत के जो प्रधानमंत्री है शासन कर रहे, तो क्या उनकी सत्ता को आप नहीं, वो नहीं है ऐसा कहोगे? इसी प्रकार जो पूरे जगत के ऊपर शासन कर रहा है, देवताओं के ऊपर भी जो शासन कर रहा है, तो उस परमात्मा को मानना पड़ेगा, वह नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री, वही ब्रह्म सभी प्रकार से शासन करने वाला है। देवानाम अपि परो देव, देवताओं का भी बढ़ के देवता है, देवताओं के ऊपर भी शासन करने वाला। ईश्वराणाम अपि ईश्वरु, ईश्वर जो इंद्र आदि है उनके ऊपर भी ईश्वर है, शासक है। दुर्विज्ञो देवानाम, दुर्विज्ञो बहुत दुर्विज्ञ है, और देवानाम जय हेतु, जो देवता लोग है, सज्जन लोग है, उनकी विजय के, उनके उत्कर्ष का हेतु है वही परमात्मा, वही परमात्मा सज्जनों के उत्कर्ष का हेतु है, देवताओं के विजय का हेतु है, और असुराणाम पराजय हेतु। असुर जो, असुर किसे कहते हैं? असुसुरमन्ते इति असुराः। असुर का मतलब कोई श्रृंग और पुच्छ वाले को असुर नहीं कहते, है ना, हम लोगों के बीच में ही मिल जाएंगे बहुत से, क्यों? क्योंकि असुर शब्द का असुसुरमन्ते इति असुरा, जो प्राण के पोषण में ही लगे हुए हैं, इंद्रियों के भोगों में ही जो लगे हुए हैं, तो वही आसुरी वृत्ति है। इंद्रियों के भाई देखिए, देवता भी उसी पिता के संतान है, कश्यप ऋषि की संतान ही देवता है, असुर भी कश्यप ऋषि की संतान है, तो मतलब क्या है कि उनकी वृत्ति अलग अलग है। तो जो इंद्रियों के पोषण में ही लगे हुए, असुसुर मन्ते इति असुरा, विषय भोग में ही लगे हुए, तो विषय भोग की प्रधानता वाले हो गए असुर, और देवता लोग जो है सात्विक वृत्ति वाले हैं। तो असुरों के वह पराजय का हेतु है, दुर्जनों के अधोगति का हेतु है। तो ऐसा जो शासन करने वाला नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो? तत् कथम नास्ति, वह नहीं है, कैसे नहीं है भाई? जो शासन करने वाला वो कैसे नहीं हो सकता है? इस तरह से जब शासक रूप से दिखाएंगे तो मंद बुद्धि वालों की भ्रांति हट जाएगी। इत्येषस्य अर्थस्य अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसि दृश्यते। ये जो अर्थ है कि वह कैसे नहीं है, शासन करने वाला कैसे नहीं, अर्थात तो उसकी सत्ता माननी पड़ेगी, इसी अर्थ के अनुकूल आगे की वाणी, आगे के वचन दिखाई पड़ते हैं। अथवा एक दूसरा है,
आगे के प्रकरण का तात्पर्य एक दूसरे प्रकार से दिखा रहे, अथवा ब्रह्म विद्या या स्तुतये, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ये प्रसंग आरंभ किया जा रहा है। ब्रह्म विद्या की स्तुति हो जाएगी। कैसे ब्रह्म विद्या की स्तुति हो रही है देखो बता रहे, कथम कैसे ब्रह्म विद्या की स्तुति हो रही है। बोले ब्रह्म विज्ञानाध्यग्न्यादयो देवा देवानाम श्रेष्ठत्वम श्रेष्ठत्वम जगमुस। ब्रह्म विज्ञान से ही अग्नि आदि देवता लोग देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए, जगमुहु। ये व्याकरण जानने वाले जानते होंगे, गमली गतौ धातु का लिट लकार का रूप है, जगामा जगमतु जगमुह। तो ब्रह्म के विज्ञान से अग्नि आदि देवता लोग देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए, और ततोपि अतितराम इंद्र, और अग्नि आदि से भी बढ़कर के है इंद्र, क्योंकि ब्रह्म को इंद्र ने पहले जाना था, अग्नि ने वायु ने बाद में जाना, तो अग्नि और वायु भी उत्कृष्ट हुए, इंद्र सबसे श्रेष्ठ हुआ। ये सब आगे आख्यायिका आएगी। तो भाई ब्रह्म की विज्ञान से ही व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, इस बात को दिखाएंगे। अथवा दुर्विज्ञेयम् ब्रह्म, अथवा ये बात दिखाएंगे कि ब्रह्म को जानना बड़ा कठिन है, दुर्विज्ञेय है। बताओ जो इंद्र के आदि को भी जानने में जल्दी नहीं आया, उनको भी वहाँ बताए परीक्षा लिए, परीक्षा लेने के बाद उनको मालूम पड़ा फिर। हाँ, तो ब्रह्म दुर्विज्ञेय है तेतत् प्रदर्शयति, इस बात को यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा, दिखाया जाएगा। कैसे दिखाएंगे? यो येन अग्न्यादयो अति तेजसोपि क्लेशे नैव ब्रह्म विदितवन्तस्। जिस कारण से कि अग्नि आदि जो अत्यंत तेजस्वी देवता है, वे लोग भी बड़ा ही क्लेश से ब्रह्म को जान पाए, और उनसे भी बढ़कर के इंद्र है, तथा देवान इंद्रो देवानाम ईश्वर, इंद्र तो देवताओं के राजा है, ईश्वर है, वह भी ईश्वरोपी सन, देवताओं के ईश्वर होकर के भी बताओ बहुत ही क्लेश से ब्रह्म को जान पाए। इसलिए ब्रह्म बहुत दुर्विज्ञेय है। तो दुर्विज्ञेय है तो क्या सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाओगे कि कोई साधना नहीं करनी हमको, क्या ब्रह्म बड़ा कठिन है? अरे भाई दुर्विज्ञेय इसलिए बता रहे कि अधिक तत्पर होके लग जाओ, कोई चाहे कोई चीज़ जो है बोले बहुत सरलता से मिल जाएगी, तो आदमी जो है बहुत मतलब उधर लापरवाह हो जाता है। लेकिन ये ब्रह्म बहुत दुर्विज्ञेय है, यानी इसको जानने के लिए, ब्रह्म का अनुभव करने के लिए हमें तत्पर होके लगना पड़ेगा, श्रवण मनन निधि ध्यासन तत्पर होके करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे ब्रह्म दुर्विज्ञेय बताया गया है इति। अथवा एक और तात्पर्य दिखा रहे, मुख्य तात्पर्य यही है, वक्षमाण उपनिषद विधि परम वा सर्वम। उपनिषद विधि परम, आगे जो उपनिषद यानी उपासना का विधान है, यहाँ तृतीय खंड में एक नंबर टिप्पणी में आप देख सकते हो, उपनिषद यानी उपनिषद उपास्ति, उपनिषद करते ना उपासना, यहाँ पे उपासना का तृतीय खंड में विधान है। ये मंद बुद्धि वालों के लिए उपासना का, मंदाधिकारियों के लिए उपासना का विधान किया गया, देख लीजिए टीका में इस बात को दिखा रहे हैं। टीका में उत्तमाधिकारी गोचरम अविषयम ब्रह्मात्मता ज्ञानम पूर्वत्र उक्तम। पूर्वत्र यानी शुरुआत के दो खंडों में उत्तम अधिकारी का जो विषय है कौन, निजो अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञानम, ब्रह्म रूपता का जो अविषयत्व, ब्रह्म रूपता का जो अविषयत्व भान होता है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान बताया गया। ब्रह्म जीव की ब्रह्म रूप ब्रह्मात्मता, ब्रह्म ही आत्म रूप है, ब्रह्म ही हमारी आत्मा है, तो जो ब्रह्मात्मता का ज्ञान वो अविषय है ना, मतलब जिस ज्ञान में ब्रह्मात्मा ब्रह्म रूपी आत्मा का विषय रूप से भान नहीं होता, अविषय रूप से भान होता है जो कि उत्तम अधिकारियों को ही होता है। इस बात को पूर्वत्र उत्तम, पूर्वत्र यानी आरंभ के दो खंडों में कह दिया गया। अभी जो है उत्तरत्र, अब आगे के जो दो खंड है
यहाँ पे तो उत्तरत्र तु मंदाधिकारी गोचरम, मंदाधिकारी को विषय करने वाला सगुण, सगुणम ब्रह्मोपासनम वक्षते, सगुण ब्रह्म की उपासना का कथन किया जा रहा है। तो तत्परम वक्षमाणम सर्वम वाक्य जातम, इसी उपासना में देखो ये मुख्य तात्पर्य है, मुख्य तात्पर्य यही है। इसलिए उपासना परक ही आगे का सब वाक्य समुदाय है, सर्वम वाक्य जातम, क्योंकि स्पष्ट विधि दर्शना, स्पष्ट विधि विधान स्पष्ट रूप से किया गया है, क्योंकि आगे का तत्शेष आदेश, इस तरह से आदेश मतलब उपासना का निर्देश वो आगे दिखाएंगे उसके लिए। इसलिए स्पष्ट रूप से विधान देखे जाने से ब्रह्म की उपासना मंदाधिकारियों के लिए यहाँ पे बताई जा रही। अतो अत्रैव तात्पर्यम्, इसीलिए उपासना में ही मुख्य तात्पर्य है तृतीय और चतुर्थ खंड का। और अर्थांतर तात्पर्य प्रदर्शनम तो संभावना मात्रेण, जो बोले ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए, मंद बुद्धियों की बुद्धि वालों की भ्रांति की निवृत्ति के लिए, अथवा ब्रह्म दुर्विज्ञ है, ये जो तात्पर्य का प्रदर्शन है तो संभावना मात्र से, किया भी तात्पर्य संभव है। प्रदर्शनम तो संभावना मात्रेण इति द्रष्टव्यम्, तो संभावना मात्र से मतलब ये गौण तात्पर्य है, मुख्य तात्पर्य उपासना का विधान, और गौण रूप से तात्पर्य यहाँ पे ये दिखाया गया ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए कि मंद बुद्धि, और दूसरा है मंद बुद्धि वालों की भ्रांति न हो कि ब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि जानने वालों के लिए अभिज्ञात है, तो जो अभिज्ञात है मतलब है ही नहीं, तो इस तरह से, और अथवा दुर्विज्ञ है ब्रह्म, ये सब दिखाने के लिए तो गौण तात्पर्य है, संभव ये भी संभव है, लेकिन मुख्य तात्पर्य है मंद बुद्धि वालों के लिए उपासना का विधान। देखिए अब भाष्य में, सर्वम ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण, उपासना विधि परम वा सर्व, वक्षमाण उपास उपनिषद विधि परम वा सर्व, आगे जो कही कही जाने वाली उपासना विधि है तत्परक ही सब है। ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणिनाम कर्तृत्वादि अभिमानो मिथ्या। देखो अब यहाँ शंका होगी, चलो उपासना का विधान है, सीधे उपासना बता दो, कहानी क्यों बताओगे, आख्यायिका जो आएगी कि देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ, परमात्मा ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, ये कथानक बताने की क्या जरूरत है, आख्यायिका क्यों बता रहे हो। बोले देखो ये आख्यायिका जो है ना, यह इसलिए बताई जा रही कि ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणिनाम कर्तृत्वाधि कर्तृत्वाद्य अभिमानो मिथ्या। जो प्राणियों में कर्तृत्व का अभिमान होता है कि मैंने ये किया, मैंने विजय प्राप्त की, मैंने जो है ऐश्वर्य की प्राप्ति की, ये जो है मिथ्या होता है। इसलिए एक महापुरुष बताया करते थे कि जैसे लोग कहते हैं कि मैंने बनाया, जैसे गृहस्थ लोग भी कहेंगे कि ये छोटा बच्चा है मेरा, ये लड़का है, मैंने इसे पैदा किया, उत्पन्न किया। तो बोलते थे भाई देखिए, अगर आप करता है, जो करता होते जैसे घट बनाने वाला, उसको पता है कि मिट्टी से मुझे घट बनाना है, हाँ मिट्टी से घट बनाता है, कब बनाता है ये भी उसे पता है, किस प्रकार से बना ये भी पता है। तो आप जो कह रहे मेरा लड़का है, तो मतलब आपने मतलब अभिमान करने वाले के लिए कह रहे, सामान्य रूप से तो व्यावहारिक सत्ता में तो बोला जाएगा आपका लड़का है तो आपका मेरा ही लड़का है, लेकिन जो अभिमान करते हैं, अभिमान के दूर करने के लिए वो बताते थे कि भाई ये आपका लड़का है तो आपने कब बनाया, इस बच्चे के कान कब बना, इसका हाथ कब बना, इसका पैर कब बना, इसके शरीर के अन्य अलग अलग अंग कब कब बने, आपको पता है क्या। तो मैंने इसको बनाया, मेरा बेटा है मैंने बनाया। अरे भाई ये भगवान ईश्वर का दिया हुआ है आपको, आपको कर्तव्य पालन के लिए दिया, अभिमान करने के लिए नहीं दिया है, ऐसा वो मतलब अभिमान दूर करने के लिए बताते थे। तो यहाँ जो ब्रह्म विद्या के बिना प्राणियों में जो कर्तृत्व का अभिमान होता है, मैंने किया, मुझे मिलना चाहिए, किसी को बहुत प्रशंसा हो रही है तो लोगों सोचता है कि मेरा ही मेरी ही प्रशंसा हो रही है, तो अभिमान करने लगता, वो सब अभिमान मिथ्या है।
इसी को इत्येतद् दर्शनार्थम, इसी को दिखाने के लिए, दर्शनार्थम वा आख्यायिका, इसको दिखाने के लिए ये, अथवा इसको दिखाने के लिए आख्यायिका एक कथानक आ रहा है। यथा देवानाम जयादि अभिमानस तद्वत, जैसे देवता लोग, अभी बताएंगे देवताओं लोगों का जो विजय का अभिमान था वह मिथ्या था, इसी प्रकार प्राणियों के जो कर्तृत्व आदि का अभिमान है, मैं करने वाला हूँ, मैंने ही किया है, ये सब मिथ्या तद्वदिति, उसी के समान जैसे देवताओं के विजय आदि का अभिमान मिथ्या था, इसी प्रकार प्राणियों का कर्तृत्व आदि अभिमान भी मिथ्या है, ये दिखाने के लिए कथाना कही थी। चलिए देखिए प्रथम मंत्र, पेज नंबर 82 पे चल रहे, ये पद भाष्य अभी चलता है, इस पद भाष्य पूरा होने के बाद वाक्य भाष्य आरंभ से शुरू किया जाएगा। देखिए प्रथम मंत्र, ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहियन्त त ऐच्छन्त अस्माकम् एवायं विजयो अस्माकम् एवायं महिमेति। ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे, हाय हा शब्द प्रसिद्धि अर्थ में, यह प्रसिद्ध है, प्राय करके देवासुर संग्राम होता है, तो मतलब देवासुर संग्राम जो होता है किसी निमित्त को लेकर के, तो उसमें प्राय करके पर परमात्मा तो देवताओं का ही आश्रय ले, देवताओं का ही मतलब पक्ष लेते हैं, हाँ अगर देवताओं के अंदर अभिमान ज़्यादा है तो फिर उनका पराजय भी होता है। तो ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, देवासुर संग्राम हुआ, असुर जो है बहुत बड़े चढ़े थे, लेकिन ब्रह्म ने, परमात्मा ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, अपनी जो है किसी विभूति के माध्यम से असुरों को पराजित कर दिया। तस्य ब्रह्मणो विजय, तो परमात्मा ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, लेकिन उस ब्रह्म की ये जो विजय है, उस विजय पे देवता लोग फूल गए, अभिमान कर गए, देवा अमहियंत, महिमा को प्राप्त किए, उनका विवेक जो है समाप्त हो गया, सोचे कि हमने ही ता इच्छंत, देवताओं को महिमा मिले, उन्होंने विचार किया, ता इच्छंत अस्माकम एवायंग विजयो, बोले तो हमारी विजय है, हमने प्राप्त किया है, अस्माकम एवायंग महिमेति, हम लोगों की, हम लोग मतलब ये जो देहादि संघात से विशिष्ट हम लोग है, उस हमारी ये महिमा है, हमारी ये विजय है, हमारी ही महिमा है, यानी हमने विजय प्राप्त की, इस तरह से उनमें मिथ्या कर्तृत्व अभिमान आ गया, अविवेक की वजह से ऐसा अभिमान आ जाता है। किसी आदमी को जो है कोई ऐश्वर्य मिल गया, बड़ा अभिमान करता है, पता चला कालांतर में सारा ऐश्वर्य गायब हो गया। एक महात्मा जी उदाहरण दिया करते थे, कोई आदमी था, सब लूट जाने पर भी व्यक्ति जो है उसके अंदर थोड़ा सा रह जाता है कुछ, हम बहुत बड़े घराने के थे। एक बार जी एक बताया करते थे कि एक बार एक आदमी था, पहले वो बहुत अमीर था, लेकिन वो समय की बात है, लक्ष्मी तो चंचला होती है, तो कालांतर में वो बहुत पैसा मतलब उसका सब डूब गया, गरीब हो गया, तो भी अहंकार से मतलब कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो दिखाने के लिए जो है कोट पहन के चले, रास्ते में कोट की एक जेब में चना रख लेता था और दूसरे जेब में बादाम, और रास्ते में चना खाते हुए जा रहा है, और कोई आदमी सामने आ जाए तो थोड़ा सा बादाम वाली जेब से बादाम निकाल ले लीजिए भाई साहब, मैं देखिए बादाम खा रहा, तो लीजिए आप भी थोड़ा सा खा लीजिए, तो मतलब ये है कि दिखावटीपना, कि मैं बहुत ऊंचे घराने का हूँ, वो जो है दिखावटीपना गया नहीं, भले सब कुछ लूट गया, अभिमान इतना व्यक्ति के अंदर रहता है। तो यहाँ पे देवताओं के ही हो गया, अभिमान हो गया कि मैं, हमारी विजय, हमारी महिमा है, हम लोग जो शरीर संघात देहादि संघात से विशेष, हमारी महिमा है, हमने विजय प्राप्त की, इस तरह से इनको अभिमान हो गया। तो परमात्मा तो उसका अभिमान दूर करते हैं, क्योंकि परमात्मा का तो भोजन ही है प्राणियों के अभिमान को खाना,
ये परमात्मा का भोजन है। हाँ चलिए भाष्य में देखिए, भाष्य द्वितीय पंक्ति, ब्रह्म यथोक्त लक्षणम। ब्रह्म जो यथोक्त लक्षण, जिनका लक्षण आ चुका है प्रथम खंड और द्वितीय खंड में, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, जो श्रोत्र के भी श्रोत्र है, मन के भी मन है, ऐसे जो ब्रह्म है, तो परम यथोक्त लक्षणम परम ब्रह्म किल देवेभ्यो अर्थाय विजिज्ञे, देवताओं के प्रयोजन के लिए, देवताओं को सुख प्रदान करने के लिए, विजिज्ञे उनके लिए जीत विजय प्राप्त की, जयम लब्धवत विजय की प्राप्ति की, देवानाम असुराणाम च संग्रामे असुरान जीतवा, देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था किसी निमित्त को लेकर के, उस युद्ध में असुरों को जीत करके, क्यों असुरों को जीते, जगत अरातीन, जगत के वे लोग अराती है, शत्रु है, पूरे जगत को विध्वंस करना चाहते हैं, जैसे आजकल बहुत आतंकवादी होते हैं, देखो दो नंबर टिप्पणी में दे दी, जगत अराती नीति प्रभुवंत उग्र कर्माण छयाय जगतो हिता, जो जगत का हित करने वाले हैं उग्र कर्मा, ऐसे लोग प्रभुवंती उत्पद्यंती उत्पन्न हो जाते, परमात्मा उनका विनाश करते भी, तो जगत के जो शत्रु हैं उन असुरों को जीत करके, ईश्वर सेतु भेत्रिम, और एक और विशेषण दे दिए उन असुरों का, ईश्वर का जो सेतु है उनका भेदन करने वाला, जो धर्म की मर्यादा परमात्मा ने बनाई है उस मर्यादा का भेदन करने वाले जो असुर है उनको जीत करके, देखिए इसको टीका में दे दी, ईश्वर से सेतो मर्यादा वर्णाश्रम आदि धर्म, ईश्वर की जो सेतु है, सेतु बना के रखे है, मर्यादा बना के रखे, वर्णाश्रम आदि जो धर्म है, ब्राह्मण का जो धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का, शूद्र का, इसी प्रकार चारों आश्रम का, चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का, ते जो मर्यादा बना के रखा है, इस मर्यादा का पालन करने से क्या होता है, चित्त शुद्धि होकर के हमारे अंदर योग्यता आती है, लेकिन असुर लोग क्या करते हैं, इस मर्यादा का भंग कर देते हैं, वो कहीं यज्ञ आदि भी नहीं होने देंगे, सब जो है धार्मिक मर्यादा को वो समाप्त कर देते हैं, ते जो तद भेदकान, उस मर्यादा का भेदन करने वाले जो असुर लोग है, उन असुरों को देखे वास में, ईश्वर सेतु भेत्रीन जो असुरान देवेभ्यो, उनको जीत लिया, और जीत करके क्या किया, देवेभ्यो जयम तत्फलम च प्रायच्छत, उस विजय का फल, उस विजय को और उसके फल को देवताओं को दे दिया, जैसे दो राजा लोग युद्ध करते हैं, जो राजा हारेगा तो दूसरे राजा को बहुत धन देगा, बहुत अपने राज्य की जमीन आदि देगा, उसका जो है वो राजा के मुख उसके किले पर भी अधिकार हो जाएगा, इसी प्रकार से असुरों को जीत करके विजय और विजय के फल को देवताओं को समर्पित कर दिए, क्यों, क्योंकि जगतस्थेम ने, जगत की स्थिरता के लिए, देखो टीका में दे दी, जगतस्थेम ने मतलब स्थैर्य आया, जगत की स्थिरता के लिए उन्होंने विजय के फल को असुरों को दे दिया, जैसे सज्जन पुरुषों को जो है कोई अच्छा बहुत ऊंचा पद आदि दे देते हैं कि ठीक ढंग से कार्य करेगा, इस तरह से दे दी, तस्य किल ब्रह्मणो विजये देवा अग्न्यादयो अमहियंत, तो ब्रह्म की ये जो विजय है उस विजय पे जो देवता लोग, अग्नि आदि देवता लोग अमहियंत यानी महिमानं प्राप्तवंत, उन्होंने महिमा की प्राप्ति की, तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्येगात्मन ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रिया फल संयोजयितुः प्राणिनाम सर्वशक्ते जगत स्थितिम चिकीर्षो अयम जयो महिमा च इति अजानंत। तो जब ब्रह्म ने उन देवताओं को प्रदान कर दिया तो देवताओं ने उन्होंने वो महिमान्वित हो गए, महिमा को प्राप्त कर लिए, तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्येक आत्मन ईश्वरस्य, तो जो आत्मा में सम्यक रूप से स्थित आत्मसंस्थ है, आत्मनि सम्यक रूपेण तिष्ठति इति आत्मसंस्था, जो आत्मा में ही सदा सम्यक रूप से स्थित है, कौन, ईश्वर परमात्मा, प्रत्येक आत्मा, जो हमारी प्रत्येक आत्मा ईश्वर से सर्वज्ञ से, जो सर्वज्ञ है
सर्व क्रिया फल संयोजयितुहु प्राणिनाम, प्राणियों के सभी कर्मों का फल देने वाले है। देखिए जो हम लोग कर्म करते हैं, कर्म स्वयं फल नहीं दे सकता क्योंकि कर्म जड़ है, जड़ स्वयं फल नहीं देगा। कहीं आप नौकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो कोई चेतन फल देगा। इसलिए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, फलमता उपपत्ते ही, सभी क्रियाओं का फल किससे मिलता है? परमात्मा से मिलता है, ईश्वर से मिलता है। क्यों उपपत्ते ही? उपपत्ति मतलब युक्ति है, क्योंकि चेतन ही फल देता है, जड़ फल नहीं देता है। इसी बात को देखो, यहाँ कह रहे सर्व क्रिया फल संयोजयितुहु, सभी कर्मों के फल का संयोजन कराने वाले। किसको संयोजन कराते हैं? प्राणी नाम, प्राणियों को सभी कर्मों का फल देने वाले। और वह ईश्वर कैसे? सर्वशक्ति, सर्वशक्ति, सर्वाशक्ति रियसे, सर्वशक्तिमान है वो। जगत स्थितिम चिकीर्षो, जगत की स्थिरता को चाहने वाले। तो उस परमात्मा की यह महिमा है, अयम महिमा जयो महिमा च। वास्तव में तो जय और महिमा परमात्मा की है, लेकिन देवता लोग नहीं समझ पाए, देवता लोग अभिमान कर बैठे। च अयम जयो महिमा से इति अजानन्तस्ते देवा, इस बात को देवता लोग नहीं जान करके तो उन्होंने क्या सोचा? ऐच्छित ऐच्छन्त यानी इच्छितवंत, उन्होंने इच्छण किया, विचार किया, उन्होंने सोचा कि मेरी महिमा है। अग्नि आदि स्वरूप परिचिन्न आत्मकृतो अस्माकम एव अयम महिमा, हमारा जो अलग अलग स्वरूप है, मैं अग्नि हूँ, तुम वह वायु हो, यह इंद्र है, वह वरुण है, वह कुबेर है। अग्नि आदि स्वरूप जो अलग अलग उनका स्वरूप है, अलग अलग उनका आयुध है, अग्नि आदि स्वरूप परिचिन्न जो आत्मा है, शरीर आदि, उसके द्वारा किया गया यह जय विजय और यह महिमा हमारी, अस्माकम एव, हमारी ही यह एव अयम विजयो, हमारी ही, हमारा ही यह विजय है, हमारी ही महिमा है। अस्माकम एवायम महिमा, हमारी ही यह महिमा। अग्नि वायविंद्र इंद्रत्वादि लक्षणों जय फल भूतो अस्माभिरनुभूयते। देखो हम लोगों ने इतना कर्म किया है, तभी मैं अग्नि के पद पे हूँ, यह वायु के पद पे है, यह इंद्र के पद पे है। देखो ये सब एक पद होता है, इंद्रादि ये पद है, ये जो है अलग अलग समय पे अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग कल्प में। जैसे अगले इंद्र हो गए राजा बलि, राजा बलि ने जो 100 अश्वमेध याग करता है वह इंद्र बनता है। अगले इंद्र होंगे राजा बलि। इसी प्रकार वेदव्यास, व्यास भी एक पद है। अभी वेदव्यास जय कृष्ण द्वैपायन जी व्यास है, अगले व्यास अश्वत्थामा हो जाएंगे, अभी तपस्या कर रहे हो। तो हमारी ही महिमा है, हमारी ही विजय है। तो अग्नि वायु इंद्रत्व आदि लक्षणों जय फल भूतो, देखो जय विजय का फल भूत है। देखो मैं अग्नि के पद पे बना हुआ हूँ, या इंद्र के पद पे है, वह वरुण पद पे है। तो जो जय फल भूतो अस्माभिर अनुभूयते, विजय का फल भूत हमारे द्वारा अनुभव किया जा रहा था, हमारी ही विजय, हमारी ही महिमा है। न अस्मत् प्रत्येगात्म भूत ईश्वर कृत, हमारा जो प्रत्येगात्मा, हमारी प्रत्येगात्मा है, सर्वांतर जो ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा ये जय नहीं किया गया, बल्कि हमारे द्वारा किया गया, हम लोग ही करने वाले। इस तरह से उनकी ये बुद्धि हो गई अविचार से, ठीक विचार नहीं करने से। तब परमात्मा भी क्या करते हैं, उनको सबक सिखाते हैं। साधारण व्यक्ति जो है सबक सिखा देता है तो सभी पूरे अंतर्यामी है तीनों लोगों के। देखो एवं मिथ्याभिमाने क्षणवताम, इस तरह से जो मिथ्या अभिमान करने वाले हैं और इच्छण यानी विचार करने वाले, मिथ्या जिनका अभिमान मिथ्या है, जिनका विचार मिथ्या है, ऐसे जो देवता लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए परमात्मा ने क्या किया? देखिए द्वितीय मंत्र, तद्धैसां विजग्यौ तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तद्धैसां विजग्यौ, तो ये जो देवताओं का ये मिथ्या जो विचार है, मिथ्या अभिमान, उसको परमात्मा ने जान लिया, क्योंकि वो तो मायाधिपति है ना,
देखो जीव और ईश्वर में यही अंतर है, दोनों में उपाधि को लेकर के फर्क है। ईश्वर रूप भी औपाधिक है, जीव रूप भी औपाधिक है, लेकिन जीव की जो उपाधि अविद्या है वो मलिन सत्व प्रधान है। मलिन सत्व प्रधान होने की वजह से जीव को अपने स्वरूप के विषय में संशय होता है, विपरीत ज्ञान होता है, है ना, नाना प्रकार के दुख का अनुभव जो है उसके साथ तादात्म्य कर लेता है, इसलिए उसको जीव को बहुत साधना करने की आवश्यकता पड़ती है। वह अभी ब्रह्म रूप ही है, लेकिन जो मलिन सत्व प्रधान वाली अविद्या की वजह से जीव को अपने स्वरूप के विषय में संशय, विपरीत संशय, भ्रांति, विपरीत ज्ञान, ये सब होता है। लेकिन जो ईश्वर है, ईश्वर की उपाधि है माया, शुद्ध सत्व प्रधान है, इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, स्वरूप को कभी भूलने वाले नहीं है, सदा मुक्त स्वरूपता का अनुभव करने वाले। तो परमात्मा जो ईश्वर है, मायाधिपति है, उन्होंने जान लिया देवताओं की इस मिथ्याभिमान और इच्छण को, इसलिए तेभ्यो प्रादुर्भव भूव, वे ईश्वर परमात्मा देवताओं के सामने प्रकट हो गए, प्रादुर्भव प्रादुर्भूत हो गए, प्रकट हो गए। तन्न व्यजानता, इस बात को देवताओं ने नहीं जान पाया, है ना, किमिदम यक्षमिति। देखो बहुत सुंदर रूप लेकर के, यक्ष का रूप लेकर के सामने जो है किसी वृक्ष आदि पे वो प्रकट हो गए। देखो बहुत पूजनीय, देखो यक्ष पूजायाम एक धातु है व्याकरण में, तो यक्ष उस यक्ष पूजायाम धातु से यक्ष शब्द बना है, यक्ष यानी पूजनीय, बहुत पूजनीय, बहुत उत्कृष्ट रूप धारण करके सामने प्रकट हो गए। तो ऐसा देखा देवताओं ने, सोचा है वो नहीं जान पाए कौन है, किमिदम यक्षमी, यक्ष ये पूजनीय कौन है, या पूजनीय जो रूप वाला दिख रहा है, बहुत उत्कृष्ट दिख रहा है, कौन है ये, तो हम लोगों से भी बढ़ करके दिख रहा है, ऐसा देवताओं ने देखा और वो समझ नहीं पाए। देखिए टीका में, भाष्य में, तद्धकिलेशां मिथ्येक्षणं विजज्ञ, उस ब्रह्म ने, परमात्मा ने देवताओं के इस मिथ्या इक्षण को, विचार को, विजज्ञ विज्ञातवद जान लिया। ब्रह्म, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग में चलता है, इसलिए विज्ञातवद पुल्लिंग होता है तो विज्ञानवान, विज्ञातवान स्त्रीलिंग में वो कोई शब्द होता है तो विज्ञातवती, इस तरह से प्रयोग करना पड़ता। तो ब्रह्म ने जान लिया, सर्वेक्षित्री ही तत् सर्वभूत करण प्रयोक्तित्वात्। देखो वो तो सर्वेक्षित्री, सबको ईक्षण करने वाला, सबको जानने वाले हैं तत्व परमात्मा, वो ब्रह्म। क्यों? क्योंकि सर्वभूत करण प्रयोक्तित्वात्, सभी इंद्रिय, सभी प्राणियों के इंद्रियों को प्रेरणा देने वाले तो वही है। इस केनोपनिषद में प्रथम खंड में आपने क्या पढ़ा है, यही तो पढ़े, श्रोत्र से श्रोत्रम, मनसो मनो, यद वाचो हो वाचम, सौ प्राण से प्राण, सभी प्राणियों के करण यानी इंद्रियों को प्रेरित करने वाले हैं, इसलिए सब कुछ जानने वाले हैं। जो प्रेरणा देने वाला वो नहीं जानता कि क्या ये सोच रहा है, क्या क्या ये अभिमान कर रहा है, क्या क्या विचार कर रहा है, तो स्वयं प्रेरणा देने वाला कैसे नहीं जानेगा भाई, वही तो सर्व प्रत्येगात्म रूप से हमारे भीतर है। इसलिए सर्वभूत करण प्रयुक्तित्वात्, सभी प्राणियों के इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला होने से उस परमात्मा ने देवानाम च मिथ्या ज्ञानम उपलभ्य, देवताओं के मिथ्या ज्ञान को उपलब्ध करके, जान करके, तो जान करके जो, जैसे कोई पिता है, मेरा पुत्र गलत रास्ते पे न चले, इसके लिए कभी कभी लड़के को थप्पड़ भी मार देते हैं, इसीलिए इसी प्रकार देखिए, बस वैसा ही विचार ईश्वर का। देखो मैं असुरवत देवा मिथ्याभिमानात पराभवेयु, जैसे असुर लोग पराभूत हो गए, पराजित हो गए, हैं उन्हें जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, पराभूत हो गए, ऐसे देवता लोग भी पराभूत न हो जाए, अभिमान करके पतित न हो जाए, है ना, मैव मा एव, ऐसा न हो, असुरवत देवा मिथ्याभिमानात मा पराभव, मा एव पराभवी, पराभूत न हो, इति, इस प्रकार से उन्होंने विचार करके तद अनुकंपया,
उनके ऊपर अनुकंपा के द्वारा, कृपा के द्वारा उनके ऊपर अनुकंपा करके देवान मिथ्याभिमानापनोदनेन अनुगृहणीयामिति, अनुकंपा के द्वारा देवताओं के मिथ्याभिमान को हटा करके दूर करके मैं उनके ऊपर अनुग्रह करूंगा। देखिए सन्मार्ग में लगाना ये बहुत बड़ी कृपा होती है। किसी व्यक्ति को सन्मार्ग में लगाओ, कुछ आप जो है थोड़ी सहायता देके हट जाने की अपेक्षा उसको सन्मार्ग में लगाने, आपका कोई परम प्रेमास्मद है, प्रेमास्पद है, उसे सन्मार्ग में लगाना ये बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए उन्होंने अनुकंपा के द्वारा देवताओं को मिथ्याभिमान को हटा करके मैं इनके ऊपर अनुग्रह करूँ ऐसा विचार करके तेभ्यो ह किल अर्थाय प्रादुर्बभूव, उन देवताओं के प्रयोजन के लिए, उनका जो हित साधने के लिए वे प्रादुर्बभूव प्रकट हो गए। बोले कैसे? नुद, नुद धातु, नुद प्रेरणे, अब उपसर्ग है, नुद प्रेरणे धातु है, ल्युट प्रत्यय हुआ है। चलिए देखिए आगे। तो बोले भाई ईश्वर तो, ईश्वर का तो शरीर है नहीं, वो कैसे प्रकट हो गए? जो माया विशिष्ट है, जैसे हम लोग गहरी निद्रा में है, सुसुप्ति अवस्था में, वहां शरीर तो नहीं है। व्यष्टि में प्राज्ञ कहा जाता है, समष्टि में ईश्वर कहे जाते हैं, ईश्वर का शरीर तो है नहीं। तो बोले नहीं, माया के द्वारा शरीर को जो है सयोग महात्म निर्मितेन अत्यद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानाम इंद्री गोचरे प्रादुर्बभूव स्वयोग महात्म निर्मितेन। भगवान जो अपनी योग माया है उसके महात्म यानी महिमा से निर्मित, जो अत्यद्भुतेन अत्यंत अद्भुत रूप, बहुत अद्भुत रूप, जैसे आप गीता में भी देखिए 11वें अध्याय में किस प्रकार से अद्भुत रूप है। तो माया के द्वारा बड़े अद्भुत अलग अलग विलक्षण रूप बना लेते हैं। तो अपने योग माया के महात्म से निर्मित जो अत्यंत अद्भुत रूप विस्मापनीय, जो कि चौंका देने वाला, विस्मय में डालने देने वाला, देखने वाले को विस्मित कर देगा, ऐसे रूप को धारण करके देवानाम इंद्री गोचरे प्रादुर्बभूव, कहाँ पे प्रकट हो गए? देवताओं के इंद्री गोचर प्रदेश में, जहां से उनको साफ साफ दिखाई पड़े। इंद्री गोचर यानी इंद्रियों के द्वारा जहां देख सके। देखो एक नंबर टिप्पणी में दे भी दी, इंद्री गोचर मतलब इंद्रिय सन्निकर्ष योग्य देशे इति यावत्, इंद्रिय सन्निकर्ष योग्य देश में वो प्रकट हो गए। हाँ टीका में देख लीजिए, स्वयोग महात्म्य का अर्थ टीका में पेज नंबर 84 में दिए, एक ही पंक्ति तो है। स्वयोग महात्म निर्मितेन, योग महात्म्य क्या? सत्व रजस तमसाम त्रयाणाम गुणानाम योगो। देखो माया क्या है? तीनों त्रिगुणात्मिका है माया, तो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों का योग मतलब युक्ति, युक्ति यानी घटनम, घटनम यानी गुण प्रधान भाव से विवर्तित होना। ये पूरा का पूरा जगत त्रिगुणात्मक है, तो मतलब माया के ही तीन गुण, कहीं कम, कहीं सत्व गुण ज्यादा है, कहीं रजोगुण ज्यादा है, कहीं तमोगुण ज्यादा है। तो ये तीनों गुणों का जो गुण प्रधान भाव है, कहीं कहीं अलग, कहीं एक गुण बढ़ गया, दो गुण कम है, कहीं जो अन्य, कहीं रजोगुण ज्यादा है, कहीं तमोगुण ज्यादा है। तो गुण प्रधान भाव से जो विवर्त हो रहा है ना, जैसे पशु पक्षी आदि का शरीर देखिए, तमोगुण की प्रधानता है। मनुष्यों में भी किसी का, किसी को देखो रजोगुण की प्रधानता है, कोई साधना में लगे रहता है, बहुत सत्वगुण की प्रधानता है। ये जो सत्व रज और तम तीन गुण है, तीनों गुणों का जो गुण प्रधान भाव से विवर्त होना, परिणमित होना, ये घटन, यही माया योग, यही योग माया हो गई। ये योग मतलब युक्तिर घटनम माया, उस माया के महात्म्य से, सामर्थ्य से, तन महात्म्य न निर्मितम, उस माया के महात्म्य से, योग माया से, त्रिगुणात्मक जो माया है, योग माया है, उसके महात्म्य से निर्मित जो निर्मितम तेन, उस महात्म्य से निर्मित जो अत्यंत अद्भुत रूप है, जो कि विस्मय में डालने वाला, उस रूप को धारण करके देवताओं के सामने प्रकट हो गए। भाष्य में, हाँ जी,
दो नंबर में कौन सी पेज पे दो नंबर? भाई 84। हाँ 84। चलिए देखिए, ताम विशद यति, देखो घटनम आया ना, घटनम तो योगो युक्तिर घटनम, देख लीजिए उसको दिखा रहे, यथापेक्षम गुणाप गुण प्रधानी भावेन विवर्तनम। तीनों गुणों का युक्ति, घटन क्या है? यथापेक्षम, जहां जैसी अपेक्षा है, गुण प्रधान भाव से उसका विवर्त होना। इस बात को तुम्हें संक्षेप में बता ही दिया था कि जो किसी शरीर में आपको सत्व गुण ज्यादा दिखेगा, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, हर एक वस्तु त्रिगुणात्मक है। हाँ, किसी में सत्व गुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। तो यथापेक्षम, जैसी जिसकी अपेक्षा है वह गुण प्रधान भाव से विवर्तित होना, यही है युक्तिर योग युक्तिर घटन, यही है माया। साच माया, वो माया क्या करेगी? यथा ही ऐन्द्र जालिको राजसादी कतिपय पदार्थान, ऐन्द्र जालिक जो है राजसादी कुछ पदार्थों को क्रम काल विन्यास आदि भेदर घटित्व, क्रम से काल काल विन्यास आदि जो है संरचना आदि के द्वारा घटित, आदि भेदों के द्वारा घटित करके नाना विचित्रार्थान दर्शयन, नाना विचित्र अर्थ को दिखाते हुए। तो मायां करोति इति उच्यते, तो देखो माया कर देता है कोई नाना प्रकार के पदार्थ। तुरंत ही आपको एक छोटे से पौ वो लेकर के, बीज लेकर के उसी वृक्ष बना के दिखा देगा। क्रम काल विन्यास आदि भेदों के द्वारा घटा करके वो थोड़े ही समय में बहुत चीजें दिखा देगा, तो उसको कहते देखो माया कर रहा है। ऐसे ही परमात्मा भी उस माया के बल से ऐसा अत्यंत विस्मय में डालने वाला रूप धारण कर लेते, रूप धारण करके देवताओं के सामने प्रकट हो गए। भाष्य में देखिए आगे, पेज नंबर 86 पे चल रहा है। तत् प्रादुर्भूतम ब्रह्म, वो जो प्रादुर्भूत उत्पन्न हो गए ब्रह्म, न बेजानत उस ब्रह्म को, द्वितीय विभक्ति, न बेजानत नैव विज्ञातवंतो देवाहा, देवता लोग बहुत कोशिश करके भी नहीं जान पाए। बहुत ऐसे दिमाग पे जोर डालते हैं ना, बहुत दिमाग पे जोर डालने पर भी देवता लोग समझ नहीं पाए कि आखिर है कौन है, इतना जो चमकदार दिख रहा है ये कौन है। किमिदम यक्षं पूज्यम महद्भूतम, ये जो यक्ष पूजनीय यक्ष है, एक है कौन, कोई महान प्राणी लग रहा है। महद्भूतम, भूतम भूत यानी सत्वम प्राणी, कोई महान प्राणी लग रहा है भाई, लगता है बहुत बड़ा आदमी है, हम लोगों से भी बड़ा बड़ा दिख रहा है। इस तरह से देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित हो करके फिर अब उनको पता लगाने के लिए प्रयत्न करने लगे आखिर है कौन। जैसे होता है ना, कोई बड़ा आदमी हो तो लोग चाहते हैं मैं अपनी तरफ मिला लूं। जैसे कोई बड़ा नेता है, बहुत प्रभाव वाला है, तो अलग अलग पार्टी वाले सोचते हैं हमारी पार्टी में आ जाए। ऐसे देवता लोग भी सोच ले भाई इसको भी मिला लो, ये तो बड़ा चमकदार दिख रहा है, कुछ हो सकता है बड़ा काम कर दे, इसको मिला लेना चाहिए। तो अब देखो सभी देवता लोग अग्नि को बता रहे, अग्नि देवताओं में अग्रगामी है, इसलिए अग्नि को यहाँ बता रहे। तृतीय मंत्र आप देखिए, ते अग्नि अब्रुवन जात वेद एतद विजानी ही किमेतद यक्षमिति तथेति। वो सभी देवता लोग बोले भाई हे जात वेद, अग्नि को बोले हे जात वेद, जातम जातम वेत्तीति जात वेद, उत्पन्न प्राणी मात्र को, सभी प्राणियों को जानने वाला जो है, इसलिए उसे अग्नि को क्या कहते हैं, जात वेद, मतलब वो सर्वज्ञ है, सभी प्राणियों के कर्म के को जानने वाले। अग्नि में आहुति आदि होती है, देखो अग्नि को देवताओं का पोस्टमैन कहा जाता है। अग्नि में आप आहुति डाल दिए, वो आहुति देवताओं को पहुंच जाती है। तो अग्नि जो है सभी प्राणियों के कर्मों को जानने वाले, सर्वज्ञ है वो, इसलिए देवता लोग अग्नि को ये चुन लिए भाई आप ही जाओ, ये तद विजानी ही, इसको देख लो, देख के जान लो, बताओ कौन है, किम एतद यक्षमिति, यह यक्ष है कौन, ये पूजनीय जो दिख रहा है कौन। अग्नि निकात तथेति, बोले बिल्कुल तथास्तु, जैसा आप लोग बोल रहे हो वैसा ही होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई, चिंता मत करो। देख लीजिए भाष्य में,
ते तद अजानंतो देवा, वे देवता लोग उस यक्ष को नहीं जानते हुए शांतर भया, अंतर भय न सहिति शांतर भया, बहुत भयभीत हो गए, भाई ये तो हमसे भी बड़ा दिख रहा है, कौन है ये। तद विजिज्ञासवो, उस यक्ष को जानने की इच्छा वाले होकर अग्नि, अग्नि मतलब अग्र ग्रामीणम, अग्रे गच्छति इति अग्र तत्शीलयति अग्रगामी, अग्नि गतो धातु से ही बन जाता है अग्नि, तो अग्नि मतलब अग्रगामी जो है देवताओं में सबसे आगे रहने वाले, उस अग्नि को जात वेद संग, जातम जातम वेत्ति थी जात वेद संग, जात वेद जो है, देखो छह नंबर टिप्पणी में आपको सर्वज्ञ कल्पम छह नंबर टिप्पणी में दिए हैं, जातम जनिमत सर्वम वेत्ति थी जात वेदा, उत्पत्ति मान सभी प्राणियों को जान लेते, इसलिए जात वेदा, इति व्युत्पत्ति माश्रित्य, इस व्युत्पत्ति को आश्रय करके अर्थ कर दिया गया सर्वज्ञ कल्पम, जात वेदसम का ही अर्थ किए सर्वज्ञ कल्पम, जो सर्वज्ञ के जैसे है, उस अग्नि को अब्रुवन यानी उक्तवंतो, देवता लोग बोले हे जात वेद, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, एतद अस्मद गोचरस्थम यक्षम विजानी, हम लोगों की आंखों के सामने जो यक्ष दिखाई पड़ रहा है इसको जरा पता करिए ना, आप जान लीजिए इसको कौन है, यानी बिजानी मतलब विशेषतो बुद्धिस्व, क्योंकि वो कह सकता है ना दिख नहीं रहा क्या सामने, सामने तो है देख लो, तो बोले नहीं नहीं विशेषतो बुद्धिस्व, अच्छी तरह से विशेष रूप से पता लगाओ है कौन है, ऐसा हम लोग अंधे नहीं है, दिख रहा है लेकिन विशेष रूप से नहीं जानते ये है कौन, देख के बताओ। तुम न तेजस्वी, हमारे बीच में तुम ही तो तेजस्वी है, इसलिए बुद्धिस्व जान लो कि मेतद यक्षमिति, यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा तथास्तु, बिल्कुल सही बात है, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। तद यक्षम अभ्यद्रवत, द्रुगतौ धातु, तो अभ्यद्रवत मतलब वो उसके पास अच्छा है, आगे जो है चौथा मंत्र आ रहा है, सही बात है, एक साथ में सभी मंत्रों को देते हैं, इसलिए पांच नंबर टिप्पणी वेद का है ना, अग्र ग्रामीण देखो तदुक्तम निरुक्ते, निरुक्त में, निरुक्त मतलब वैदिक कोश, वैदिक कोश में कहा गया अग्नि 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 कस्माद अग्नि अग्रणीर भवती, जो सबसे आगे आगे हो उसे अग्नि कहेंगे, जो आगे चलने वाला हो। इति उत्तर षटके दैवत कांडे चतुर्थ पादे, उत्तर षटक में दैवत कांड के चतुर्थ पाद में निघंटु में कहा गया है, निघंटू में होगा पूर्व, ये तो चार बताए, पांच पांच, अरे पांच नंबर, अच्छा देख लो पांच नंबर। जात वेद सम मतलब सर्वज्ञ कल्पम तथा च निरुक्तम, निरुक्त में आया है, निरुक्त मतलब वैदिक कोश में आया है। जात वेदा बोले अग्नि को जात वेदा कहते क्यों, कस्मात क्यों जात वेदा कहते, जातानी वेद, क्योंकि जितने पैदा होने वाले सबको जान लेता है। देखो उत्तर षट का दैव कांड में, शायद दैवत कांड में पांचवे अध्याय का प्रथम पाद में आया है, इस तरह से। चलिए आगे हम लोग कल करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।